हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। 15 अगस्त 2024 को फिल्म पुष्पा 2 आने वाली है दोस्तों, पर उसके साथ साथ रोहित शेट्टी की सिंह बघेल भी आने वाली है। और पता है इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? विलन। जी हाँ, विलन। और अगर श्रद्धा कपूर के स्टाइल में सिंह बघेल के विलन को आवाज लगाएंगे ना ए विलन, तो दोस्तों अर्जुन कपूर पलट के देखेंगे। पर पुष्पा 2 के विलन को अगर आवाज लगाएंगे ना तो फिर से अर्जुन भाई साहब ही पलट कर देखेंगे। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी एक अफवाह थी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और इस अफवाह को पुष्पा 2 वालों ने कब का खारिज भी कर दिया। प्रोड्यूसर ने बता दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्टर फहद फासिल को ही हम विलन के तौर पर ले रहे हैं और वो तो शूटिंग भी कर रहे हैं पुष्पा 2 की। अच्छा हुआ दोस्तों इनमें कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि वैसे भी अर्जुन कपूर जैसे एक्सप्रेशन किंग को पुष्पा 2 का ऑफर कहाँ सूट करेगा भाई। वैसे दोस्तों अल्लू अर्जुन लेडी गेटअप में गाना शूट कर रहे हैं, ये तो हम सबको पता ही था दोस्तों, पर लेडी कॉस्ट्यूम में फाइट सीन करना बहुत ही मुश्किल है, जो उन्हें करना भी है क्योंकि उनका जो भयानक लुक था जिसका एक पोस्टर भी रिवील किया गया था जो गंगामा थाली लुक में इंस्पायर था दोस्तों, तो उसी गेटअप में अल्लू अर्जुन फाइट सीक्वेंस करने वाले थे, पर फिर उन्हें एक इंजरी हुई, बैक पेन हुआ और दोस्तों वो वहाँ सब कुछ रोक दिया गया। वैसे ये फाइट सीक्वेंस फिल्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है क्योंकि अल्लू अर्जुन का ऐसा लुक यही फिल्म की बहुत बड़ी खासियत है और उसे गेटअप में उनका डांस और एक्शन करना ये फिल्म का स्टाइलिंग पॉइंट होगा। तो ऐसे में उन्होंने अभी तक ब्रेक ले लिया है दोस्तों, क्योंकि वो किसी भी तरह से एक्शन या गाने के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। पर ये फाइट सीक्वेंस उनके और विलन बने फहद फासिल यानी पुष्पराज और इंस्पेक्टर शेखावत के बीच हो सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन दोनों में 4 ऐसे कड़क एक्शन सीक्वेंसेस हो सकते हैं जिसकी कोरियोग्राफी के लिए इंटरनेशनल कोरियोग्राफर्स को भी इस टीम से जोड़ा जा सकता है। अब दोस्तों वो कड़क एक्शन सीक्वेंस कौन से होंगे ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, पर फिलहाल तो शूटिंग को इन लोगों ने रोक दिया है क्योंकि जब तक पुष्पा भैया फिर से अपने स्वाग के साथ उठेंगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। और डायरेक्टर सुकुमार अल्लू अर्जुन को परेशान नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अल्लू अर्जुन डेडिकेशन और मेहनत के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म के रिलीज डेट पर कोई असर होगा, पुष्पराज भैया तो तभी आएंगे जब उन्हें आना है। तो डोंट वरी, आपका इस खबर का कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर है तृप्ति।